Great Sopriti. Very good Sopriti. Well done. Well done. Damn yeah. नेहा यार तूने बॉल क्यों नहीं पास की? I'm so sorry. मुझे लगा वो लोग तेरे को घेर के खड़े तो तू बास्केट नहीं कर पाएगी. मौन नेहा, I'm Tina. 10 लोग भी मुझे घेर के खड़े रहेंगे ना तो भी मैं बास्केट कर दूंगी. I'm sorry. चल कोई बात नहीं, अब मजा चखाते हैं. वैसे let's go. Move 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 move. ये चीटिंग है. चीटिंग? चीटिंग? कौन सी चीटिंग? हाँ तो मेरी बास्केट रोक नहीं पाए तो उसे चीटिंग का नाम दे दिया. एक्सक्यूज मी, तुमने बास्केट करने से पहले बॉल को 5 सेकंड से ज्यादा हाथ में रखा जो गेम के रूल्स के खिलाफ. ओह या, अब तू मुझे गेम के रूल्स सिखाएगी? तू मुझे गेम के रूल्स ना ही सिखाना तो ही अच्छा है. जब तेरे दूध के दांत भी नहीं घिरे थे ना तब से खेल रही हूँ मैं बास्केटबॉल, समझी? ए तू संभाल संभाल कर बात कर, ये मत भूल कि मैं इस टीम की कैप्टन हूँ. टीम की कैप्टन तो क्या धौस जमाएगी? अगर तू इस टीम की कैप्टन है तो मैं भी इस टीम की बेस्ट प्लेयर हूँ, समझी? Oh God, come on yeah girls, हम लोग एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं ना, इस तरह झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या आपस में? Come on, let's play yeah. नेहा यार, तू ये बात इस बंदरिया को क्यों नहीं समझाती? क्या बोला तूने मुझे? बंदरिया? हाँ, बंदरिया कहा? बंदरिया? क्या कर लेगी? कहा? Get up. You okay? क्या है ये? बास्केटबॉल का कोर्ट है या खड़ा? सर सर एक दूसरे चीटिंग करके बास्केट के सर. सर ऊपर से मुझे बंदरिया कहती है ये. सर मैंने कोई चीटिंग नहीं की. ये कैप्टन होने के बावजूद भी मेरा बास्केट नहीं रोक पाए तो जल रही है. सर सर नहीं सर सर पर... कुछ भी हो प्रीति, लेकिन तुम्हें टीना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था. और इस तरह का इनडिसिप्लिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा. आई एम सॉरी सर. सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी. सजा? सजा. और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इसी समय कप्तानी से हटाया जाता है और टूर्नामेंट के फाइनल में कप्तान तुम नहीं टीना होगी. पर सर मैं तो सर... पर वर कुछ नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है. और अब तुम सब घर जाओ, गेम डिसमिस. चल चल मैं आ रही हूँ. क्यों खत्म? कैप्टेंसी खत्म? मैं ये बेइज्जती भूलने वाली नहीं हूं, इसका बदला मैं जरूर लूंगी, याद रखना. चलिए दवाइयाँ खा लीजिए, फिर आपको खाना भी खाना है. मुझे भी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी. मैडम बाद में नहीं, दवाइयों का टाइम हो गया है. जब राहुल आ जाएगा तो मैं उसके साथ खा लूँगी. वैसे राहुल है कहाँ, अभी तक आया क्यों नहीं? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है. राहुल सर आने ही वाले होंगे, कुछ ज़रूरी काम में फंस गए होंगे. अरे तो फिर बुलाओ ना उसे, मुझे बाहर जाना है, दम घुटता है मेरा यहाँ. सर सिमरन को देख के लगता है कि उसे वाकई कुछ दिमागी बीमारी है. हाँ मगर सिमरन जो कह रही है और उसने जो कुछ भी देखा है उसमें कुछ तो सच होगा. तो फिर सर ये अनीता और ललित ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? और वो केदार, वो तो कहता है कि उस घर में कोई औरत है ही नहीं. और इन लोगों को कोई दिमागी बीमारी है नहीं, है ना? हाँ सर. फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि सिमरन झूठ बोल रही है, कुछ तो गड़बड़ है. सर मुझे मुझे इस केदार के घर में गड़बड़ लगती है, वरना कोई अच्छे खासे घर को पेंट क्यों करेगा, वो भी खिड़की के पास से. बॉस ये अभिजीत बिल्कुल ठीक कह रहा है. ठीक कह रहा है मतलब? मतलब ये कि गड़बड़ केदार के घर में ही है. केदार के घर में? कैसी गड़बड़? बॉस केदार के घर में से हमें जो पेंट मिला है वो सिर्फ पेंट नहीं है,
उसमें खून भी है। खून? हाँ, इंसान का खून। ओह, सॉरी। तो देखिए आप लोग ये तेल इस्तेमाल करते हैं मसाज करने में? सारा पाला आई वॉन्ट टू बी क्लीन, सबका अपॉइंटमेंट लो तभी उनको एंटरटेन करना। यस, अपॉइंटमेंट है आपका? अपॉइंटमेंट तो नहीं है। देन आई एम रियली सॉरी, माय स्पा इज टोटली फुल, आपको फोन करके आना चाहिए था ना। देखिए हमें कोई मसाज वगैरह नहीं करवाना है, हमें बस आपसे ये जानना था कि आपके यहाँ ऐसे वाले तेल इस्तेमाल होते हैं। हाँ, इन तेलों से मालिश की जाती है, इनफैक्ट हमारे स्पा में भी ये तेल यूज होते हैं, क्या ये अच्छे नहीं है? अब अच्छा बुरा तो लगाने के बाद ही पता चलेगा ना। बट सर आपका तो अपॉइंटमेंट ही नहीं है। अपॉइंटमेंट है? ये रहा, हम लोग CID से। सर CID वालों के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये मसाज छोड़िए आप, ये फोटो देखिए, क्या ये औरत यहाँ पे मसाज कराने आई थी? दो घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी आप लोग आधे घंटे और नहीं आते तो मैं चला गया होता। जान से स्केच देखो, इस औरत का नाम कनिका है, हम लोग इस औरत को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिलेगी? कनिका? हाँ, इसने खून किया है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, सुपारी लेके खून करती है, देखा इसे? कनिका? नहीं साहब, इसका नाम कनिका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका नाम प्रीति है, मैंने इसका नाम प्रीति सुना है। वाह, कंपनी के मालिक को भी तुमने ही मारा ना? हाँ। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था मेरे घोटाले के बारे में, इसलिए मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया। अगर ये सब तुमने किया तो फिर कनिका ने राहुल का नाम क्यों लिया? क्योंकि कनिका से मैंने राहुल बन के बात की थी, ये सब मैंने राहुल के आसपास इसलिए किया ताकि सारा शक राहुल पे जाए। तुम्हें क्या लगता, तीन तीन खून करके तुम बच जाओगे? जेल में सड़ते रहो, फांसी का ऑर्डर आने तक। मेरी फ्रेंड का कब से फोन आ रहा है, पूछ रही थी कि कब आओगे। सॉरी मीरा, आज नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? तभी तो ठीक है तुम्हारी। हाँ। फिर क्यों नहीं जाएंगे? उसे फोन करके मना कर दो ना। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उन्हें हाँ बोला था, और अब तुम ही कह रहे हो कि मना कर दो। ऐसा कैसे मना कर दो? चिल्लाओ मत, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? सुनने तो पड़ोसियों, उन्हें भी तो पता चले कि मेरा पति मुझे कितना चाहता है। मेरा तुम्हें जो बोलना है बोलो। मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस मैं अंदर जा रहा हूं, प्लीज। सुशांत, सुशांत। साहब जी, खाना खाएंगे? मुझे भूख नहीं है, ऐसा कर थोड़ी देर में मेरे लिए जूस लेकर आ जाना। जी साहब। दिमाग खराब कर देता है सर। सुशांत की लाश वहां स्टडी रूम में, मीरा की लाश यहां हॉल में, और नौकर की लाश किचन में, ये कैसे हो सकता है सर? अरे यार फ्रेडी, यही तो हम भी सोच रहे हैं, ये कैसे हो गया? तीनों की मौत साइनाइड खाने की वजह से हुई है डॉक्टर साहब। हां अभिजीत, तीनों ने एक साथ साइनाइड कैसे खा लिया? सर मुझे तो लगता है कि मीरा और नौकर की मौत हुई है पानी पीने से, और सुशांत की मौत हुई है जूस पीने से। नहीं 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 ताश, जहर ना तो पानी में था बॉस, ना ही जूस में, जहर था कांच के टुकड़ों में, वो कांच के टुकड़े जो आप मीरा की लाश के ऊपर से उठा करके लाए हैं, बस जहां जहां पर ग्लास पर हाथ लगा जहर वही वही पर चला गया। मतलब सर साइनाइड हाथ से लगा है ग्लास पर? करेक्ट। ये छोटी छोटी चीजें होती है घर में कि कई बार पता भी नहीं चलता है कि जो चीज ढूंढ रहे हैं वो कहां पे रखी हुई है, हर चीज को ध्यान से देखना। Hello?
नाताशा सर ये देखिए सर यहाँ पर एक नए सिम कार्ड का एनवेलप है अरे गॉड पुराना सिम कार्ड वो भी टूटा हुआ है तो ये बात है यही सिम कार्ड बदलने के लिए उसने नया सिम कार्ड खरीदा होगा ये यहां से निकाला गया नया सिम कार्ड यस सर ये कहीं इसमें जहर तो नहीं लगा हुआ है जैसे सुशांत ने इसमें से नया कार्ड निकाला होगा फोन में डालने के लिए जहर उसके हाथ पे लग गया होगा सर जिसने भी ये साइनाइड लगाया है उसी ने पुराना कार्ड भी तोड़ा होगा सर मोबाइल फोन में रखे रखे तो कार्ड टूटता नहीं है ना और सर जब सुशांत ने कार्ड खरीदा तो खूनी ने चुपके से उस कार्ड पर जहर लगा दिया एक काम करते हैं ये नए कार्ड का फ्रेम ये टूटा हुआ पुराना सिम कार्ड और ये लिफाफा ये टेस्ट करने के लिए फोरेंसिक लैब में भेज देते हैं देखो ध्यान से देखो सबको पहचानो कौन था वो आदमी तो ऑफिस से कोई बाहर नहीं जाएगा समझे देख गेट बंद कर दो किसी को बाहर जाने मत देना वाह भैया वाह हम लोग यहाँ वहां परेशान होकर घूम रहे और ये यहाँ पे बैठे बैठे मजे लूट रहा है वाह रे किस्मत तो मर गया मुंह में झाग है इसे भी जहर दिया गया है जहर है शराब में जहर मतलब खूनी को पता चल गया था कि सीआईडी इस परेश को ढूंढ रही है होल खुलने वाला है तो इसे पहुंचा दिया होगा घर को अच्छी तरह से चेक करो जी लगता है तुम्हारी मेडिकल जांच करवानी पड़ेगी इसके बाद तुम सीआईडी में वापस कभी नहीं आओगे देशद्रोह के जुर्म में एसीपी प्रद्युमन तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है दूसरे हाथ में भी हथकड़ी लगाओ ये तुम ठीक नहीं कर रहे अभिजीत दया हथकड़ी लगाओ अगर ये गटर टाइम से खत्म नहीं हुआ ना तो मुझे सबको ओवरटाइम देना पड़ेगा और बॉस का भी फोन आया था फिर तो हमारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है क्या कर सकते हैं चलो भाई जल्दी नीचे उतरो और भी गटर बचे हुए हैं अभी लो भाई ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे काम तो हम कर ही नहीं रहे अरे एक के बाद एक गटर साफ करते आ रहे हो आराम तो कर नहीं रहे भाई हम क्या कर सकते हैं 5 दिन के काम को 7 दिन हो गए आज मालती रोड के गटर को साफ करने में पूरे 2 दिन लग गए अक्खी गटर में प्लास्टिक ही प्लास्टिक वो तो बारिश के टाइम में जब पूरे शहर में पानी भरेगा ना तब अक्कल ठिकाने लगेंगी लोगों की चलो भाई अब जल्दी से नीचे उतरो और सब लोग अपना अपना मास्क पहन लो तुम्हारा मास्क कहाँ है सर मेरी जेब में जेब में क्या कर रहा है मास्क पहने बिना नीचे जाना नहीं समझे चलो ध्यान से संभल के ध्यान से संभल के ध्यान से आराम से आओ तुम आओ देखिए आराम से ये लोग पब्लिक के लिए अपनी जान देते हैं फिर भी हंसते रहते हैं कमाल है यार एक बात बता ये अपने बड़े साहब को अचानक क्या हो जाता है कभी कभी क्या हुआ साहब अरे कल शाम को मैं उनसे मिलने गया था अचानक भड़क पड़े मेरे ऊपर पता नहीं क्या हुआ वो बुड्ढा भी सबके ऊपर ऐसे कुछ सुना साहब आपने अरे क्या हुआ जगन
अरे क्या हुआ, चिल्लाया क्यों? रामू को कुछ हो गया साहब। क्यों बेहोश हो गया क्या वो? हाँ सर। कैसे, क्या अंदर? बहुत कैसे सर। तुम लोग ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। अरे लेकिन सर उसको उठाना पड़ेगा। ठीक है मैं अभी आता हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं यार, मेरी अभी भी शादी हुई है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है मैं अभी आता हूँ। कहाँ है वो लोग? अरे फिर से आवाज दो। अरे सीधे चले आइए सीधे। ओ वाह, अरे ये तो बंद है। अरे कहाँ हो? अरे पीछे आइए पीछे, इस तरफ। अरे इधर से आवाज आ रही है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।